छठा पाठ, वचन नंबर। देखिए और पढ़िए। दोनों चित्रों को ध्यान से देखिए। पहले चित्र में एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है तथा दूसरे में एक से अधिक बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। शब्द के जिस रूप से संख्या का बोध होता है वे वचन कहलाते हैं। बच्चा पतंग उड़ा रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। परिभाषा, शब्द के जिस रूप से एक या एक से अधिक अर्थात उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर्स। वचन दो प्रकार के होते हैं, क एक वचन सिंगुलर नंबर, ख बहुवचन प्लूरल नंबर। क एक वचन सिंगुलर नंबर, शब्द के जिस रूप से एक प्राणी या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे फूल, लड़की, बकरी, पुस्तक आदि। ख बहुवचन प्लूरल नंबर, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, ताले, पंखे, पुस्तकें आदि। एकवचन और बहुवचन शब्दों के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए। एकवचन बहुवचन, लड़की लड़कियां, शाखा शाखाएं, खटिया खटियां, पौधा पौधे, दरवाजा दरवाजे, चिड़िया चिड़ियां, तिथि तिथियां, सेना सेनाएं, नीति नीतियां, कमरा कमरे, वस्तु वस्तुए, शीशा शीशे, झालर झालरे, दुकान दुकाने, सहेली सहेलियां, जूता जूते, फ्रॉक फ्रॉके, मोजा मोजे, ईंट ईंटे, बस्ता बस्ते, बाला बालाएं, कलम कलमे, रात राते, भेड़ भेड़े। ध्यान दीजिए, आदर या सम्मान प्रकट करने के लिए एक व्यक्ति के लिए भी बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे अध्यापिका पढ़ा रही है, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं।